यहाँ मेकअप करा सकते हो, स्किन केयर करा सकते हो, स्टाइलिंग करा सकते हो, हेयर कटिंग ले सकते हो। दिस इज माई फाइनल लुक, बहुत लाइट सा मेकअप कर। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये विदाउट ब्लीचिंग है, मतलब इसने हेयर को बिल्कुल डैमेज नहीं करा है। ये देखते के साथ बोल रहे हैं कि आपका हेयर किसी भी शेड्स का आप गूगल पे कोई भी फोटोज वगैरह देखो, यहाँ आ जाओ, ये प्रोवाइड करेंगे। L44 बैलियाज, ही इज प्रेम, जिन्होंने मेरे हेयर को स्ट्रेट करा था। आए आईब्रो एंड ऑल, जो कुछ भी मेरा नेचुरल सा जो मेकअप है उसे कर लेते हैं। बाहर बरसात हो रही है बट फिलहाल बरसात रुका पड़ा है, जल्दी से मेकअप करके निकलते हैं वरना फिर डिले हो जाएगा। मैं बहुत तो मैं जा कहाँ रही हूँ, एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपने हेयर को थोड़ा सा अलग कुछ करा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ वैसे ही सिमिलर सा हो रहा है। मैं कलरिंग का सोच रही हूँ अभी, हेयर कटिंग नहीं कराना है मुझे, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी शादी तक इंशाल्लाह मेरे हेयर जो है वो ग्रो कर जाए कुछ ना कुछ, इसीलिए अभी हेयर कटिंग तो नहीं लेंगे, बट होप फॉर द बेस्ट। वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कैसा सीन है वगैरह वगैरह वगैरह। ओके सो मैं मिलती हूँ रेडी। ओके दिस इज माई फाइनल लुक, बहुत लाइट सा मेकअप करे है मैंने और बहुत लाइट सा मस्करा भी लगाई हूँ मैं, मतलब ऑल ओवर एवरीथिंग इज टू लाइट। मैं सोच रही हूँ बिंदी अप्लाई करने का, बिकॉज थोड़ा सा ऐसा ना ट्रेडिशनल लुक आ रहा है इसके साथ, तो अप्लाई करके देखते हैं हाउ इट्स गोइंग, और उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर बेटर लगेगा तो हम लोग बिंदी के साथ जाएंगे, वरना फिर विदाउट बिंदी भी इट्स लुकिंग गुड। या सो आई एम डन, बरसात भी रुक चुकी है और आज मंदिर में शायद हवन पूजा है किसी चीज़ का, आई डोंट नो, बट हाँ सुबह से पूजा चल रहा है तो मैं भी बस इंजॉय कर रही हूँ, तो आप लोग भी इंजॉय कर लो। या एंड माशाल्लाह बाल मेरे बहुत अच्छे हो रहे, बहुत स्मूथ हो रहे, लविंग दिस कुर्ती, या दिस इज सो गुड। इसको मैं स्टिच की हूँ, कपड़े खरीद के मैंने खुद स्टिच करे हैं, या इट्स गोइंग सो गुड, जस्ट लविंग इट। तो चलो बहुत लविंग इट हो गया, देखते कैसा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर माई हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आफ्टर सो लॉन्ग मैं कुछ कराने जा रही हूँ, इसलिए आई एम सो एक्साइटेड। सो जस्ट लेट्स गो, लुक दिस इज माई लुक विथ बिंदी, बट आई डोंट नो वाई आई एम लाइकिंग माई लुक विदाउट बिंदी, तो बिंदी रिमूव करके मैं आपको दिखाती हूँ लाइक लुक। मेरे को ना विदाउट बिंदी ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो आज हम बिंदी नहीं कैरी करने वाले हैं, सो लेट्स गो। आई एम हेयर इन कंकरबाग एंड द सैलून नेम इज मैजिक मिरर, दिस इज यूनिसेक्स सैलून एंड यहाँ बहुत सारे, मतलब लाइक बोले तो सारे के सारे फैसिलिटीज़ हैं, और आज हम लोग आए हैं हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जैसा मैं पहले ही बताई हूँ, एक्चुअली आप लोग को याद होगा मैं लैक्मे से एक बार अपने हेयर को स्ट्रेट कराई थी, और जिनसे मैं स्ट्रेट कराई थी तो ये उनका सैलून है, और मैं मतलब मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना मैं सबको सजेस्ट की थी कि जाके उनसे ही हेयर स्ट्रेट कराना, क्योंकि मेरे जो बाल थे ना वो काफ़ी थिन थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे हेयर को स्ट्रेट करे थे, जिसकी वजह से मेरे बाल इतने डैमेज नहीं हुए थे, और मेरे हेयर का अच्छा देखते हुए ना मेरी फ्रेंड लोगों ने भी मुझसे बहुत बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने मुझसे सजेशन लिया था कि कहाँ से कराएं कहाँ से कराएं, तो मैं सबको सजेस्ट की थी कि लैक्मे से जाके करा लो। लैक्मे से कराने का रीज़न यही था कि जिनसे मैं करवाई थी वो बहुत अच्छे से मेरे हेयर को ट्रीट किए थे, और मेरी बाल मतलब पहले से भी पतले हैं मेरे बाल, तो अभी स्ट्रेटनिंग मेरे को कराना है, बट मैं सोच रही हूँ कि शादी के टाइम पे हम लोग स्ट्रेटनिंग कराएंगे, और इसीलिए अभी मैं कुछ अलग ट्रीटमेंट लेने का सोच रही हूँ। सो या बस फिलहाल यही देख रहे हैं, अभी मेरी ये हेयर है एंड देखते हैं कि हम क्या करा सकते हैं, तो हम पूछेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए क्या कराना चाहिए। मेकअप करा सकते हो, स्किन केयर करा सकते हो, स्टाइलिंग करा सकते हो, हेयर कटिंग ले सकते हो, जितने भी हेयर के ट्रीटमेंट्स हैं आपको यहाँ प्रोवाइड करी जाएंगी, और स्पेशली मुझे मैं बिलीव करती हूँ बिकॉज मैंने स्ट्रेटनिंग भी यहीं से कराया है, और मतलब जो वहाँ के स्टाफ थे लैक्मे के अब ये उनका हो चुका है खुद का, तो आप आओ यहाँ और आँख बंद करके आप बिलीव कर सकते हो, क्योंकि मेरी हेयर इतनी ज़्यादा थिन थी बट फिर भी उन्होंने मेरे हेयर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया था, और जितनी भी मैं अपनी फ्रेंड्स को सजेशन दी हूँ सब यहाँ आई हैं और सभी ने ट्रीटमेंट लिया, और सब आज भी खुश हैं और सबके बाल अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मस्त है, तो इतना टेंशन नहीं ले रहे हैं। मैं यहाँ का लोकेशन डायरेक्शन सब कुछ ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो ज़रूर से आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड अभी देखते हैं कि हम अपने हेयर में क्या स्टाइलिंग कराने वाले हैं। हेयर सर्विस से पहले चलो मैं आपको सैलून की टूर करा देती हूँ, मतलब सैलून दिखा देती हूँ। तो ये है मैजिक मिरर यूनिसेक्स सैलून,
और इनके इंटीरियर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं। आपको मेकअप के लिए अलग से स्पेस, हेयर कटिंग के लिए अलग से स्पेस मिलेगा, जेंट्स के लिए अलग से स्पेस है और लेडीज़ के लिए भी अलग से स्पेस दे रखा है। साथ ही साथ अगर आपको वैक्सिंग ब्लीचिंग कुछ भी कराना तो इन सब के लिए भी आपको एक सेपरेट स्पेस मिल रहा है जिसमें आप प्राइवेटली अपना कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हो। एंड यहाँ के इंटीरियर, यहाँ के इनके प्रोडक्ट्स सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सही थे। एक्चुअली मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी वार्म से लाइट्स थे एंड ऐसा लाइट्स कुछ भी ऐसे आंखों में जगमग जगमग सा नहीं हो रहा था। देखो ये वाला रूम था, मेरे ख्याल से वैक्सिंग वगैरह का ट्रीटमेंट आप लोग यहाँ से ले सकते हो। एंड यहाँ आपको काफ़ी अच्छा खासा मिरर भी मिल रहा है, बाकी आप चाहो तो यहाँ एक्स्ट्रा से मेकअप भी करा सकते हो। अच्छा खासा बड़ा सा मिरर मिल रहा है हमें, जहाँ मतलब काफ़ी अच्छे से आप खुद को देख सकते हो। एंड इस रूम में आप करा सकते हो मसाज हो गया, क्लीन अप हो गया, जो कुछ भी, मतलब स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है एंड हाइजीन का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान दिया हुआ है। सो या एवरीथिंग इज़ गुड। और हम लोग देखते हैं यहाँ सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करी जा रही है, तो अभी इस रूम के बाहर भी निकल के हम लोग देखेंगे। एंड गाइस, मैनीक्योर पेडीक्योर के लिए यहाँ पे आपको अलग से स्पेस मिल रहा है, और अगर आप और भी ज़्यादा प्राइवेसी चाहते हो तो आप इस कर्टन को अच्छे तरीके से बंद करा सकते हो और आप इजीली आप अपना मैनीक्योर पेडीक्योर करा सकते हो। इधर रहा हेड वॉश करने का सेक्शन, और सब में आपको प्राइवेसी मिल रही है। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं, अगर दूसरे लोग करा रहे हैं तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम किसी तरीके से ऐसे ओपन ओपन अपने हेड को वॉश करा सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ के कर्टन्स को भी क्लोज करा के आप ईजिली अपने हेड को वॉश करा सकते हो। एज इट इज़ यूनिसेक्स सैलॉन, तो आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ आ सकते हो और अपने पार्टनर को भी कुछ ना कुछ सर्विसेज जो है सो प्रोवाइड करा सकते हो। इनके इंटीरियर लुक सब कुछ अच्छे थे। जहाँ तक इनके प्रोडक्ट्स की बात करी जाए तो प्रोडक्ट्स ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी के रख रहे हैं, काफ़ी अच्छा ब्रांड ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और इससे पहले जो मेरी हेयर स्ट्रेट भी हुआ था तो सेम उसी ब्रांड से हुआ था। यहाँ अलग अलग आपको सेक्शंस मिलेंगे। सो गाइज, ही इज़ प्रेम, जिन्होंने मेरे हेयर को स्ट्रेट करा था। आए और बस मैं इन पे ही बिलीव कर सकती हूँ यार, अपने बालों के लिए। और सो या फाइनली नाउ इट्स माय टर्न, और यहाँ के जो हेयर स्पेशलिस्ट है ना वो प्रेम ही है, वो बहुत अच्छे से आपके हेयर को ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे से केयर करेंगे। सही कि मेरा हेयर अभी कैसा है? बहुत ही ज्यादा ड्राई। ये देखते के साथ बोल रहे हैं कि आपका हेयर इतना ड्राई चल रहा है। मोस्टली मैं भी यही चीज़ करती हूँ, मैं कंडीशनर स्किप कर देती हूँ, और अभी मैंने ये बात बताई हूँ कि मैं कंडीशनर स्किप कर देती हूँ सिर्फ शैम्पू करने के बाद। मुझे लगता है कि मॉनसून का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, क्या कंडीशनर करना, बट ये बोल रहे हैं कंडीशनर मस्ट है, राइट? कंडीशनर करना ही करना है। ओके, मतलब आप लोग भी समझ लो, आप लोग को भी भैया कंडीशनर करना है। तो अब हम लोग ना हेयर का लेते हैं, बोल रही हूँ हेयर कलरिंग करा लेते हैं यार, कुछ मस्त सा। बोलिए अभी आप कलर करेंगे? L44 बैलियाज शेड। तो वो अभी हेयर कलरिंग हमारा होने जा रहा है एंड मेरे को नहीं पता है कैसे रिजल्ट आने वाले, बट मेरे स्किन कलर के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए, सो होप फॉर द बेस्ट। ओके। और इनके पास सारे हेयर कलर्स अवेलेबल हैं। बाल का लेकिन मेरा कबाब निकल गया है ना, बहुत ट्राई नहीं, आप ध्यान देना होगा यार, अब कंडीशनर करना होगा मस्त। सो गाइज, ये वाला यूज होने वाला है मेरे बाल पे, और ये दो शेड यूज होने वाला है, L00 और L44, और होप फॉर द बेस्ट कि बस रिजल्ट इसका हमें अच्छा मिले एंड अच्छा मिलेगा। सो या दोनों ही शेड्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद, उसके बाद फिर इसमें डेवलपर डाले थे, आई डोंट नो क्या क्या मिक्स हुआ था, मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आया था। इसी ब्रांड से ना मेरा हेयर स्ट्रेटनिंग का भी सारा क्रीम था। जी, सोस को, सारा सोस को, ये भी सोस को। ये अच्छा ब्रांड। इस हेयर कलर का सारा ही पार्ट्स बहुत अच्छा था, बट एक पार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था। लाइक इसमें आपके हेयर को ब्लीच नहीं करी जाएंगी। मैं ऐसा हेयर कलर सेलेक्ट की थी जिसमें आपको लग रहा होगा कि ओके मैंने ब्लीचिंग कराया है, बट नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, लाइक सपोज आपको रेड कलर कराना है, वायलेट कराना है, पिंक कराना है, ब्लू कराना है, ग्रीन कराना है, कोई भी कलर, कोई भी एक स्पेसिफिक सा कलर ले लो जो कि ऐसा लगे कि हाँ अलग से वो कलर है। अगर आपको वैसा कलर कराना है तो उससे पहले आपके हेयर पर ब्लीच करी जाती है। ऊपर से ये जैसे स्ट्रिक्स है ना, ऊपर से 90 इंच से चला जाएगा। तो क्या ब्राउन टोन में है? ब्राउन। और आपके पास सारे शेड्स अवेलेबल हैं? सारे, टू टक। ग्रे अगर कराना हो तो? टू टक। अच्छा, सारे शेड्स हैं। सो गाइस, अगर आप लोग को हेयर कलरिंग कराना है किसी भी शेड्स का, आप लोग गूगल पे कोई भी फोटोज वगैरह देखो, यहाँ आ जाओ
ये प्रोवाइड करेंगे। इनके पास सारे के सारे शेड्स अवेलेबल है एंड एग्जैक्टली वही शेड देंगे जो आप दिखाओगे, ऐसा नहीं कि 19-20 का फर्क दिखे या फिर ऐसा कुछ भी, एग्जैक्टली वही शेड देंगे। और अभी अब क्या बोल रहे थे उस टाइम, कौन सा ये बेलियाज से? ये बेलियाज है, बेलियाज टेक्निक। ओके, अच्छा ये जो ऐसे जा रहा है ऊपर से नीचे तक है ना, लाइट टू डार्क वाला, बेलियाज टेक्निक है ये। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर द रिजल्ट, होप फॉर द बेस्ट। कैसे रिजल्ट आते हैं मेरे बहुत ऐसे हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं कलरिंग ले रही हूँ ना, तो ऐसा फील आ रहा है अंदर से। ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया, स्ट्रेटनिंग से पहले ही मैं कलरिंग ली थी। हाँ तो मैं बता रही थी कि हेयर कलरिंग से पहले ब्लीच कराना होता है, तब जाकर के आपके हेयर पे कलर चढ़ाना होता है। बस बट इस कलर के साथ ऐसा नहीं था, ये डायरेक्ट आपके हेयर को कलर किया जा सकता है विदाउट ब्लीचिंग। और ब्लीचिंग से हमारे हेयर इतना ज़्यादा डैमेज होते हैं ना, इसीलिए मैं मोस्टली कलरिंग नहीं कराती थी। बट दिस कलर इज जस्ट वाओ अमेजिंग, ये ब्रांड बहुत अच्छे। एंड यहाँ एक लेडी कस्टमर थी, ये अपने हेयर को ना स्ट्रेट कराई है एंड मेरे को रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सो मैं सोची कि आपके साथ शेयर करते हैं। एक्चुअली आपके बालों की इतनी अच्छे से केयर करेंगे ना कि आपके बाल बेजान नहीं। तो हम चलते हैं अपने हेड वॉश के लिए, तो कलर बस देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पानी बहुत गर्म हो गया, सो अब बस इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली थी। आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड अपने कलर को देखने के लिए। एंड यहाँ बहुत अच्छे से मेरे हेड को वॉश किया है, साथ ही साथ मेरे हेड को मसाज भी दिए, तो वाओ मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी एंड बहुत एक्साइटेड भी थी रिजल्ट देखने के लिए। यहाँ सो बस मैं यहाँ पे इसको फिनिशिंग पॉइंट दिला रही हूँ जिसमें मैं अपने हेयर को ड्राई कर रही हूँ। एंड ड्राई करने के बाद मेरे को बहुत सॉफ्ट सा नीचे से ना कर्ल्स चाहिए था अभी फाइनल लुक के लिए, मेरे को परमानेंट कर्ल्स नहीं चाहिए था। वैसे मैं इनसे पूछी थी कि परमानेंट कर्ल्स भी होते, तो बट उन्होंने कहा कि होते हैं बट आप कभी भी मत कराना क्योंकि जो परमानेंट कर्ल्स होते हैं उससे हेयर डैमेज बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक स्ट्रेटनिंग में क्या होता है ना कि हम लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो उतना भी हार्ड नहीं होता, जो कि कर्ल्स के टाइम पर जिस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि आपके बालों को ना ऐसे होल्ड किया जा रहा है, तो इसीलिए उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रोडक्ट का यूज़ करना होता है जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा बहुत एक्सेस डैमेज हो सकते हैं। एंड या हेयर इज माय फाइनल रिजल्ट, तो मेरा रिजल्ट बहुत ज़्यादा सही लगा है, बहुत सटल सा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हमने वो छपरियों वाले कलर कराए हैं। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये विदाउट ब्लीचिंग है, मतलब इसने हेयर को बिल्कुल डैमेज नहीं करा है। ब्लीचिंग करने से क्या होता है ना कि हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, वो ऐसा होता नहीं अंदर से बहुत बेजान और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसीलिए इनके पास सारे शेड्स अवेलेबल हैं विदाउट ब्लीचिंग में। अगर आपको ग्रे कराना है, जो भी कलर कराने हैं ना, तो विदाउट ब्लीचिंग आपको मिल जाएगा, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। आपके पास वाइट कलर भी है ग्रे? ओके, हम लोग एक बार गए थे पूछने के लिए ग्रे कलर यार, है ना? तो इनके पास सारे ही शेड्स हैं, तो अगर आपको कुछ भी कलरिंग कराना है अपने हेयर में, बहुत सटल सा भी कराना है, लोअर में कराना है, या फिर मतलब कुछ भी, लाइक लुक कर दैट रिजल्ट मैन, आई एम इम्प्रेस्ड। मेरे को बहुत सही लगा है रिजल्ट, बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हमें, और बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा चाहिए भी नहीं था कि बहुत उबरा उबरा सा हो जाए, बहुत सटल लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, आई एम इम्प्रेस्ड, जस्ट लव दिस। तो आप लोग आओ यहाँ, जो भी शेड्स कराने हैं अगर आप लोग को, बस नीचे के साइड में भी आपको अगर कलरिंग कराने हैं, कुछ भी कराने हैं, आ जाओ, विदाउट हेयर डैमेजिंग ये आपको कलरिंग करके देंगे, इससे ज़्यादा और हमें क्या ही चाहिए। सो यार दिस इज़ गुड, दिस इज़ बेस्ट। और अब आप लोग मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा हेयर कलर और किस टाइप का लग रहा है, और मेरे को बताना कि मेरे स्किन को जा रही है। मुझे यही था कि बस वो मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, बिकॉज मेरे पास डस्की स्किन है ना, तो बहुत ऐसा छटक सा कलर नहीं चाहिए था मेरे को, और ये बहुत प्रिटी लग रहा है। इस लुक एट द लोकेशन, इधर आपको कार पार्किंग भी आप इजीली कर सकते हो, एंड इधर लाइक वहाँ मेन रोड है, यहाँ सैलून रहा मैजिक मिरर यूनिसेक्स सैलून, साई सिविल सर्विसेज के ना फर्स्ट फ्लोर पे है इनके बिल्डिंग के, और यहाँ से बहुत चौड़ा चौड़ा सा रोड है, आप कार पार्किंग कर सकते हो। बाजी पार्क के गेट के जस्ट सामने आप इंटर करोगे, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है जितने भी इनके क्लाइंट्स आते हैं सबके, सो सबको इनकी सर्विसिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मुझे भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आप लोगों को ना ऐसे सारे डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको हेयर से रिलेटेड कुछ भी ट्रीटमेंट लेना हो तो ले लेना। अभी एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि मेरे जो हेयर का लेंथ है ना वो बहुत अप डाउन है, इस
आ जाओ इधर आ जाओ ना, थोड़ा जो लेंथ है ना वो थोड़ा अप डाउन है, इसलिए थोड़ा सा ना मेरा हेयर आप लोग को दिख रहा होगा, अगर कर्ल भी हुआ है या फिर स्ट्रेट भी हुआ है तो उसमें लेंथ अप डाउन दिख रहा था, क्योंकि अभी मैंने खुद ही कट करने से मना करे हैं। जब शादी का डेट नज़दीक आएगा देन फिर मैं उस टाइम हेयर स्ट्रेटनिंग वाला ट्रीटमेंट लूँगी, उस टाइम मैं अपने हेयर को ट्रिम करा करके इक्वली करा लूँगी। तो इसीलिए यहाँ की मतलब सर्विसिंग सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप यहाँ विजिट करो आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड सबसे मेन चीज़ यार, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इनके बिहेवियर बहुत पोलाइट है, ठीक है, सबके साथ इतना अच्छा के साथ इनका बिहेवियर ना बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट है। तो बस आप विजिट करो, ऐसे मैं ना उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग साथ शेयर कर दूँगी ऐसे स्क्रीन पे, तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकते हो। मेनली ये है कंकर बाग में और ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है और इधर का रूट वगैरह सही है, तो आप यहाँ आ सकते हो। ओके आना, और अगर जब भी आना तो मेरे को कॉमेंट ज़रूर से करना या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके अब मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। द क्राउड, उस टाइम जो पूजा हो रहा था ये उसका क्राउड है, और अभी सबको प्रसाद मिल रहा है। एंड इधर ही मेरा घर है। ओह माय गॉड, इट्स क्रेजी, लेट्स गो। लुक एट माय हेयर, कैसा है? अरे कैसा है, कलर करा मेरे लिए, कैसा हुआ बाल, कैसा हुआ, कैसा हुआ सोनी, सही में 4 घंटे टाइम लगा था। सो गाइज यहाँ रहा बस एक बल्ब के लाइट में मैं आपको दिखाती हूँ कितना सटल सा मैंने कलर कराया है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था यार कि बहुत ज्यादा हाईलाइट हो, एक्चुअली दिस इज कलर, दिस इज नॉट हाईलाइट। और ये देखो कितना प्यारा, लाइक दिस इज हनी शेड, हनी ब्राउन शेड ऐसे ही था कुछ, कॉफी वाला और हनी वाला कुछ इसी टाइप का शेड था, बहुत सटल सा, बहुत प्यारा सा है। इसके साथ साथ जो हेयर का अभी ये हो रहा है ना, क्या बोलते हैं यार इसको, टेक्सचर, माय गॉड मक्खन मलाई हो रहा है, बहुत बहुत सही लग रहा है। पता है वो भी मुझे बोल रहे थे कि यार आपने अपने हेयर को रद्दी करा लिया, आपको इतना शॉर्ट अपना हेयर नहीं कराना चाहिए था, एक्चुअली नाउ दिस लेंथ इज टू गुड, मेरे को इतना ही चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया था, बट या इतना भी ठीक है अभी, ठीक है अभी। बाल मतलब बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं, उन्होंने कंडीशनिंग करी है, शैम्पू करी है, एंड उन्होंने बोला है कि कंडीशनिंग आप कभी भी स्किप मत करना, जो कि हम लोग मोस्टली स्किप कर देते हैं, मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है यार गर्मी का टाइम ही क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा चिपचिप सा हो जाता है। बट आई हैव ऑलरेडी मेनी मोर कंडीशनर्स, बट मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि नहीं ऐसे ही अच्छे है, बट नहीं आज उन्होंने बताया कि कंडीशनर आपको करना है। लुक एट द ग्लॉस, लुक एट द शाइन, जस्ट लव इट। इस वाले ना रूम लाइट में बहुत प्रिटी लग रहा है, वहां लाइट्स बहुत ज्यादा थे और तुरंत हुआ था तो वो बेबी हेयर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा निकले निकले से लग रहे थे, बट नाउ द रिजल्ट इज इम्प्रेसिव,